الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي मेरे दीन मानी भाइयों बहनों आज मैं आप सब के सामने एक अहम नुस्ख़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ और एक अहम उनवान पर गुफ्त करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ वोवान है जहन्नम से छुटकारा और जन्नत पाने का नुस्ख़े कीमिया इतनी बात तो तय है हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है हर मुसलमान की आर्ज़ू होती है कि वो जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए किसी भी तरह से दो से बचा लिया जाए और जन्नत में उसका दाखिला हो जाए ये हर मोमिन की ख्वाहिश होती है लेकिन ये आसान काम नहीं है हाँ अगर अल्लाह चाहे तो कोई मुश्किल भी नहीं है बहर हाल एक हदीस पाक लेकर आया हूँ जिसके रू से हर मुसलमान जो चौबीस घंटे के अंदर तीन मर्तबा मरतबा जिक्र करेगा तो वो जहन्नम से बच जाएगा और जन्नत में ज़रूर भी ज़रूर दाखिल होगा ये ज़िक्र ऐसा है कि सिर्फ ज़ुबान से करना है इसलिए आप जानते हैं इंसान लाख कितनी बात गुजार क्यों न हो तहद गुजार हो और चाश का पाबंद हो पाँचवें वक्त पाबंदी साथ नमाज़ पढ़ता हो सारे अमाल वो करते हों इसके बावजूद कोई दावा नहीं कर सकता है कि मैं जहन्नम से बच जाऊँगा और जन्नत में दाखिल जरूर हूँ कोई दावा नहीं कर सकता है जब तक कि अल्लाह का फजल करम न हो तो वो जहन्नम से नहीं बच पाएगा जब दाखिल नहीं हो पाएगा लेकिन जिस चीज़ का रसूल वसल्लम गारंटी लें ज़मानत लें यकीन वो बात दुरुस्त है और सही है उस पर कोई अमल करेगा तो उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा चुनानचे अगर कोई आदमी रोज़ाना अल्लाह ताला से तीन मरतबा जन्नत मांगता है और तीन मरतबा जहन्नम से पनाह तलब करता है और पाबंदी के साथ रोज़ाना अल्लाह से चौबीस घंटे में किसी वक्त भी तीन मरतबा जन्नत मांगता है और तीन मरतबा जहन्नम से पनाह तलब करता है तो ऐसा करते करते एक वक्त आता है कि खुद जन्नत अल्लाह अल्लाहत से सफारिश करती है और सफारिश कल क़्यामत रोज़ करेगी ए अल्लाह इस बंदे या बंदी को जन्नत में दाखिल कर दीजिए और जहन्नम बोलेगी अल्लाह इसको आग से पनाह दे दीजिए चुनानचे पाक के अंदर आया है जिसके रावी हज़रत मालिक रजी अल्लाह तालू हैं वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने इशाद फरमाया जिसने अल्लाह ताला से तीन मरतबा जन्नत तलब की तो जन्नत कहेगीजन्न ए अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दीजिए और जिसने आग यानि जहन्नम की आग से तीन दफ़ा पनाह तलब की जिसने आग यानि जहन्नम की आग से तीन दफ़ा पनाह तलब की तो जहन्नम बोलेगीजर हम नन्नारुम अजर हम ए अल्लाह इस शख्स को आग से पनाह अता कर दीजिए देखिए सुनने तिरमीजी अवाब सिफत सिफत अनहारन्ना दो हजार हदीस सौ बहत्तर इसी तरह देखिए सहीब ने हिब्बान हदीस नंबर नौ हजार नौ सौ अड़तीस इसी तरह से मुश्तर हकीम जिल एक सफा सात सौ सत्रह हदीस नंबर एक सौ छियानवे हाकिम बड़े मुहदस हैं उनका बयान है इस हदीस की सनद सही है तो मालूम हुआ कि हदीस से पाक से ये बात साबित है कि आदमी तमाम आमाल करने के साथ साथ ये छोटा सा ज़िक्र का एहतमाम कर ले कि रोज़ाना ती मत अल्लाह से जन्नत मांगे और रोज़ाना ती अल्लाह ताला से, से पनाह तलब करे तो आप के बकौल जन्नत अल्लाह ताला सफारिश करेगी ए अल्लाह इस व जन्नत में दाखिल कर दीजिए और जहन्नम सफारिश करेगी ए अल्लाह इस व जहन्नम से बचा लीजिए अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला और आप आपको रोज़ाना पाबंदी से कम से कम तीन मरतबा जन्नत तलब करने और तीन मरतबा जहन्नत पना मांगने की तोहफ़ी अतः फ़रमाए वखलूद्दादिल्ला रबालमिन